क्यों भाई हरदयाल, कुछ पता चला कोई गेहूं के दाम लगाने आएगा या नहीं? अरे पूरे 5 दिन हो गए सुनते सुनते कि इंस्पेक्टर साहब आ रहे हैं, इंस्पेक्टर साहब आ रहे हैं, लेकिन अभी तक तो पहुंचे नहीं। ऐसा लगता है जैसे अनाज पैदा करके हमने कोई बहुत बड़ा पाप किया है। मुझे तो पता चला है कि इंस्पेक्टर साहब यहीं कहीं मंडी में हैं। मंडी छोड़कर जाएंगे कहाँ? यही तो दिन है उनके खेलने के, ये खिलौने छोड़कर कहाँ जाएंगे? नमस्ते सर, नंबर साहब 125 लिख दे। इंस्पेक्टर साहब नमस्ते, 35 नंबर 126 रुपए 50 पैसे लिख दे। हाँ जी। और ये लाल झंडे ठाकुर साहब की है जी। क्या गेहूं है ठाकुर साहब का है जी। 182 लिख दे, जल्दी से जल्दी 182 लिख दे। साहब हमने ऐसा क्या गुनाह किया है जो हमें सरकार का पूरा भाव नहीं मिलता? तुम्हारा गुनाह ये है कि तुम किसान हो। लेकिन चले आते हैं, बहुत ज्यादा चाहिए। गोपी जी। ठाकुर साहब सबका अनाज आ गया? जी हाँ। जब अनाज तुल जाए तो आधा हिस्सा बताओ और ब्याज हमारे गोदाम में पहुंचा देना। आप चिंता मत कीजिए ठाकुर साहब, सारे व्यापारी यहाँ बैठे हुए हैं, आपका ब्याज सबसे पहले कटेगा। अरे गिरधर, आज आटे का क्या भाव है? 2.5 रुपए किलो। 2.5 रुपए किलो तो एक क्विंटल आटे की बोरी का भाव कितना हुआ? 250 रुपए। नंदू, अभी कुछ देर पहले इस गेहूं का भाव 150 रुपए क्विंटल था, मंडी से चलकर राशन की दुकान तक पहुंचा तो इस आटे का भाव 250 रुपए क्विंटल हो गया। जिस दिन ये 100 रुपए की पिसाई हमारी समझ में आ गई उस दिन हमारे दिन बदल जाएंगे।